स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल्स ए एंड द ये डिस्कस करने वाले हैं, कब यूज करने का सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पोजीशंस देखेंगे, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स, मतलब हम आर्टिकल्स जो यूज करते हैं उसकी पोजीशंस क्या रहती है सेंटेंस में। तो देखो सबसे फर्स्ट पोजीशंस रहती है आर्टिकल प्लस नाउन, मतलब नाउन के पहले भी आर्टिकल हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ डांसर, अ डांसर, अ क्या है, आर्टिकल्स है जो नाउन के पहले आ चुका है। समझ में आया? तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशंस आर्टिकल प्लस नाउन आता है। उसके बाद सेकेंड पोजिशंस देखो आप, यहाँ पर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और उसके पहले आर्टिकल्स आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गुड डांसर। देखो यहाँ पर गुड जो भी है वो एडजेक्टिव है, मैंने कलर के साथ भी आपको यहाँ पर कलर के साथ मैच किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और नाउन क्या हो चुका, डांसर, मतलब डांसर के नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और उसके पहले भी आर्टिकल आ सकता है। तो ये हो चुकी सेकेंड पोजीशन। उसके बाद थर्ड पोजीशंस आप देख लो, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन भी आता है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ वेरी गुड डांसर। देखो यहाँ पर वेरी क्या हो चुका, एडवर्ब हो चुका, एडजेक्टिव क्या है, गुड, और नाउन तो हमारा डांसर ही है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स इससे पहले आ चुका है। समझ रहे हो पोजिशंस ऑफ आर्टिकल्स? तो ये आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आर्टिकल्स की पोजिशंस कहाँ कहाँ पे रहती है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। समझ गए? अगर पोजिशंस ऑफ आर्टिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलो आगे। तो आर्टिकल्स ए अंदर, तो हम अब आर्टिकल्स को डिफाइन करेंगे, मतलब देखेंगे। तो यहाँ पर देखो उसके टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन, डेफिनेट एक यूनिक स्पेसिफिकेशन रहती है, डेफिनेट उसके नाम पे ही आप देखो, डेफिनेट मतलब डिफाइन, और जो ऑलरेडी डिफाइन है, यूनिक है, उसकी आइडेंटिफाई यूनिक है, तो उसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, जिसके जिसमें खाली द आता है। द डेफिनेट आर्टिकल्स में ओनली द आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जिसकी स्पेसिफिकेशन यूनिक नहीं रहती, यूनिक का मतलब समझ रहे हो, डेफिनेशन मतलब इनडेफिनेट, मतलब जिसकी डेफिनेशन इनडेफिनेट है, मतलब वो अनयूनिक है, यूनिक नहीं है, तो उसके लिए हम ये और एन का यूज करते हैं। तो समझ में आया डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से है। तो अब हम उसके यूजेस देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूजेस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो यूज फर्स्ट देखेंगे हम, फर्स्ट यूज और सेकेंड यूज में है। तो दोनों यूज देखने के बाद आपको एक क्लियरली आइडिया आ जाएगी कि द कब यूज करने का है और ए और एन कब यूज करने का है। तो देखो सबसे फर्स्ट हम द देखते हैं। तो देखो, बिफोर अ सिंगुलर, काउंटेबल और प्यूरल, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम द यूज करते। दिस इज द पेन, मतलब सिंगुलर भी हो, अगर हमारा जो भी नाउन जो भी है वो अगर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, मतलब काउंटेबल हो और अनकाउंटेबल हो, तभी भी हम द का यूज करते। तो कब यूज करने का, हर समय पे द यूज थोड़ी कर सकते, तो वो हम यूजेस नंबर टू में देखेंगे कि कहाँ पर यूज करने का है। इसमें तो एक फर्स्ट आइडिया तो क्लियर हो चुकी आपको, सिंगुलर हो, हमारा नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, तो भी हम द का यूज कर सकते हैं। दिस इज द पेन फॉर एग्जाम्पल। अब देखो ए और एन कब यूज करने का, देखो तो यूज फर्स्ट में हम सबसे फर्स्ट देखेंगे ये कब यूज करने का, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड। देखो सिंगुलर, जब हमारा नाउन सिंगुलर रहता है तो हम ए का यूज करते हैं सिंगुलर पर, कब, उसका साउंड जो भी है वो कंसोनेंट साउंड होना चाहिए। कंसोनेंट साउंड, साउंड बोला मैंने, लेटर नहीं बोला। अगर जो भी वर्ड का साउंड, अगर उसका साउंड
अगर कंसोनेंट साउंड से उसका साउंड आता है, उस वर्ड का स्टार्टिंग कंसोनेंट साउंड से होता है, साउंड से, मैंने वर्ड नहीं देखा। हम जब बाद में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर कंसोनेंट साउंड आता है तो हम उससे पहले हम अ का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, समझ में आया। तो एग्जाम्पल देखेंगे, अ बॉय। बी क्या है? कंसोनेंट साउंड है हमारा, कंसोनेंट और ओवेल साउंड रहते हैं। तो देखो, कंसोनेंट मीन्स क ख मराठी में अगर देखा जाएगा तो आपको, और ओवेल्स मीन्स अ आ ई उ, अगर उस साउंड निकलता है तो हम ए और एन का यूज करते हैं। देखो, कंसोनेंट साउंड मीन्स क ख गी घी, मतलब ए ई आई ओ यू छोड़ के जो भी वर्ड्स है या फिर जो भी साउंड निकलता है वो कंसोनेंट साउंड, उसको हम आइडेंटिफाई मतलब इंडिकेट करते हैं, कंसोनेंट साउंड, समझ में आ गया। ए ई आई ओ यू को छोड़ के अगर जो भी वर्ड आए यहाँ पर और उसका साउंड कंसोनेंट साउंड निकलता है तो हम ए का यूज करेंगे। देखो, अ बॉय। और उसमें एक्सेप्शन क्या है? देखो, ओवेल साउंड अगर आता है वाई का साउंड, मतलब यहाँ पर मैंने अब आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। देखो, मैं इसको कर देता हूँ, वाई साउंड, मतलब देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एन अवर, मतलब देखो, और एन ऑनेस्ट पर्सन, देखो, तो यहाँ पर यच है। यच क्या है? हमारा कंसोनेंट वर्ड है, कंसोनेंट वर्ड है यच, फिर भी हम यहाँ पर अ नहीं लगाते, ए नहीं लगाते, हमने यहाँ पर एन का यूज किया है, एन अवर। हम हवर नहीं, हवर इसका साउंड हम हवर नहीं बोलते, हम अवर बोलते हैं। इसका ओ से हम इसका साउंड निकालते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एन आ गया है, समझ में आ गया आपको। कंसोनेंट साउंड यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर ओवेल साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज किया है। और सेकेंड एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन, हम ऑनेस्ट, ओ का साउंड निकालता है, ऑनेस्ट, ये साइलेंट रहता है, तो इसमें भी हम एन का यूज करते हैं, एन आर्टिकल का, समझ में आ रहा है आपको। मैं फिर से एक बार और एग्जाम बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब हम देखते हैं एन का यूज, एन कब यूज करते हैं। देखो, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ अ ओवेल साउंड, मतलब ए ई आई ओ यू का अगर साउंड निकलता है, मीन्स अ आ ई ई उ, तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। कहाँ पर? सिंगुलर, ये भी सिंगुलर ही नाउन है हमारा और ये भी सिंगुलर, पर इसका साउंड क्या है? कंसोनेंट साउंड है और इसका ओवेल साउंड है, समझ में आ गया। स्वर जिसको बोलते हैं हम, ए ई आई ओ यू। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, यहाँ पर ए आ गया, साउंड भी ए का निकल रहा है, एन एप्पल। या यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, ए ई आई ओ यू यहाँ पर, और साउंड भी ओवेल का साउंड निकल रहा है, समझ में आ रहा है। एन अननोन, चाहे वो अननोन पर्सन हो, तो यहाँ पर देखो ए का साउंड निकल रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया है, समझ में आ गया। अब एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पर वाई का साउंड निकलता है, यानी कि ई का साउंड निकलता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, तो देखो, अ यूनिवर्सिटी, हम क्या बोलते हैं, यू का नहीं, यहाँ पर यू नहीं साउंड नहीं निकल रहा है, यहाँ पर वाई यानी कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर य का साउंड निकल रहा है, समझ रहे हो। कंसोनेंट साउंड क ख से ज्ञ पर्यंत जो होता है वो कंसोनेंट साउंड होता है, तो यहाँ पर देखो य का साउंड निकल रहा है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर यू का नहीं है, यहाँ पर वाई, य, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ए का यूज किया है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो, वैसे ही यहाँ पर भी अवर, यहाँ पर ओ का साउंड निकल रहा है, मतलब ओवेल्स का साउंड निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज किया है। हमने डेफिनेशन में ही कंसोनेंट साउंड बोला है, ना कि वर्ड, वर्ड का मेंशन नहीं किया। अगर वर्ड रहता इधर डेफिनेशन में, तो अगर ये यच से चालू शुरू होता है वर्ड, तो हम यहाँ पर क्या करते, अ लगा देते, अ आर्टिकल्स लगा देते, समझ रहे हो। तो यहाँ पर साउंड बोला है, तो इसका मतलब इस वर्ड का साउंड अगर ओवेल्स निकल रहा है, तो हम यहाँ पर एन से इसको आर्टिकल्स एन दे देंगे, मतलब एन लगा लेंगे, समझ में आ रहा है। तो मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए कि
एक्सेप्शन क्या है और रियल में उसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये समझ में आ चुका होगा मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक नोट भी लिखी है, पास वाले वर्ड का साउंड से आएगा, मतलब ए और एन कब यूज करने का, ये पास वाले वर्ड से, मतलब देखो अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन क्यों, क्या है यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन से, तो इससे पहले क्या निकला, क्या आर्टिकल्स आ गया यहाँ पर, अ क्वेश्चन, समझ रहे हो, अ क्वेश्चन समझ आ गया। इससे पहले भी हमने यहाँ पर पोजीशंस देखी है, इसी पोजीशंस के अकॉर्डिंग टू ये एग्जांपल लिए हैं, देखो अ क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल देखेंगे हम, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, देखो इम्पोर्टेंट आ गया यहाँ पर, इम्पोर्टेंट शुरू किससे हो रहा है, आई से हो रहा है, और साउंड भी कैसा आ रहा है, ओवेल्स साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज करेंगे, मतलब पास वाले वर्ड, देखो यहाँ पर पास वाला वर्ड का साउंड से आएगा, आर्टिकल्स जो भी आएगा वो पास वाले वर्ड्स के साउंड से आएगा, मतलब यहाँ पर पास वाला वर्ड कौन सा है, इम्पोर्टेंट है, और उसका साउंड कैसे आ रहा है, आई, मतलब ओवेल्स आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। देखो नाउन्स वही है, क्वेश्चंस नाउन्स वही है, फर्स्ट एग्जांपल में ए आया था अ क्वेश्चंस, और सेकेंड एग्जांपल में एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल में देखो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इसका साउंड कैसे आ रहा है, देखो आप यहाँ पर कंसोनेंट साउंड इसका साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगा दिया, समझ में आ रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसका यहाँ पर हमने पोजीशंस देखा था, आर्टिकल्स लगाया है, उसके बाद एडवर्ब भी लगाया है, एडजेक्टिव, और उसके बाद जाके नाउन लगाया, तो इसलिए यहाँ पर पास वाले वर्ड्स के, पास वाला वर्ड्स का जो भी साउंड निकलता है उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल चूज करना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर अच्छी आई है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी बता सकते हो कि ये समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर यूज नंबर फर्स्ट हमने देख लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सबको सभी नोट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और चलो तो नेक्स्ट हम यूज नंबर टू देखते हैं, उसमें आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर यूज टू, यहाँ पर इट इज यूज टू इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक, मतलब द जो आर्टिकल्स है हम इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक है, मतलब यूनिक चीज है, जैसे कि ताजमहल एक यूनिक चीज है, कोई भी जियोग्राफिक लोकेशन, एक आपको जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि समथिंग स्पेसिफिक क्या होता है और समथिंग नॉन स्पेसिफिक क्या होता है। तो जो भी स्पेसिफिक होता है तो स्पेसिफिक चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज करते हैं, और नॉन स्पेसिफिक कोई जो भी चीज़ें रहती है उसको इंडिकेट करने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। समझ में आ गया, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन, मतलब ये फर्स्ट यूज हो चुका। अगर कोई सिंगुलर है तो हम ए और एन का यूज करेंगे, अगर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है तो भी हम द का यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर हो तो ए और एन का भी यूज होता है और द का भी यूज होता है, पर द क्यों कब यूज होता है, जो भी चीज़ें स्पेसिफिक होती है, समथिंग स्पेसिफिक होता है, मतलब अब हम बाद आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ स्पेसिफिक होती है, तो स्पेसिफिक चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, और अगर हमारा नाउन अगर प्लूरल रहेगा तो हम द ही यूज़ करेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सिंगुलर के लिए खाली ए और एन का यूज करते हैं। समझ में आ गया, और देखो इट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग नॉन स्पेसिफिक, अगर कोई चीज़ें नॉन स्पेसिफिक है मतलब उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। तो देखो अब हम द कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक चीज़ें होते हैं उससे वो हम देखेंगे, और उसके साथ साथ उसका एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जियोग्राफिकल लोकेशन, अगर कोई जियोग्राफिकल लोकेशन से, फॉर एग्जाम्पल द यूएस है तो हम द का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ रिवर, रिवर का नेम भी हम द आर्टिकल लगा के हम मेंशन करते हैं, द गंगा, मतलब ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो हम यहाँ पर उसके आगे हम द का यूज करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द ओशियन, द स्पेसिफिक, ये भी एक ओशन का नेम है तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ है इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मतलब द वाइट हाउस और द ताजमहल, तो इसके आगे हम द आर्टिकल्स यूज करते हैं क्योंकि वो चीज़ें क्या है, समथिंग स्पेसिफिक चीज़ें है।
समझ में आ रहा है आपको, समथिंग स्पेसिफिक है इसलिए हम यहाँ पर द का आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर के आगे भी हम द आर्टिकल्स यूज करते हैं। उसके बाद द नेम ऑफ शिप्स ट्रेन एंड प्लेन, फॉर एग्जांपल द टाइटैनिक, द राजधानी एक्सप्रेस और द किंगफिशर एयरलाइन। तो ये भी एक स्पेसिफिक चीज है, उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द रिलीजियस बुक, मतलब धार्मिक ग्रंथ, जो भी धार्मिक ग्रंथ रहते हैं उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द भगवद गीता, द रामायण, ऐसे बहुत सारे जो भी रिलीजियस बुक रहते हैं तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद ग्रुप और क्लास, द डॉक्स, मतलब अगर कोई ग्रुप रहेगा, कोई कोई क्लास, मतलब उसमें एक से भी ज़्यादा है, तो उसके उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम द आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो स्पेसिफिक यूनिक नेम, वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट, मतलब देखो स्पेसिफिक और यूनिक नेम रहेगा, मतलब एक और एक ही एग्जिस्ट करता है उसमें, तो हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द महात्मा गांधी, अब गांधी है उसको महात्मा बोला है, तो एक ही चीज है वो, वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट करता है वो, यूनिक और स्पेसिफिक नेम है, तो इसलिए महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी हम यूज करते हैं। द सन, सन भी एक यूनिक है, खाली वन ही है यूनिवर्स में, खाली वो अकेला है, इसलिए हम उसके आगे भी स्पेसिफिक है वो, इसलिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद द मून, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बोल दो, अगर लेक्चर या अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कर लेना। तो चलो आगे देखते हैं हम, इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन, अगर हमने एक सेंटेंस पहले यूज किया है और उसी नाउन को हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई फाउंड अ कॉइन, आई फाउंड अ कॉइन, यहाँ पर अ आर्टिकल्स यूज किया है, अ कॉइन, बाद में उसी कॉइन को रिप्रेजेंट करने का है, तो हम यहाँ पर द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, तो इसके उसके बाद, मतलब देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है आपको। इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन, देखो ये फर्स्ट सेंटेंस हो चुका है, आई फाउंड अ कॉइन, मतलब ये नाउन के लिए हमने यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर यूज किया है, बाद में सेकेंड सेंटेंस में उसी नाउन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हम द आर्टिकल्स यूज करते हैं, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम पोस्ट के लिए भी हम द का यूज करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट एक यूनिक और स्पेसिफिक चीज है, समझ में आ रहा है आपको। देखो यहाँ पर समथिंग स्पेसिफिक चीज है तो यहाँ पर हम द का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट वन है, यहाँ पर सुपर रिलेटिव डिग्री में भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो द बेस्ट टीचर, टू इंडिकेट सम वन यूनिक फ्रॉम द ग्रुप, मतलब देखो टीचर्स का एक ग्रुप है और उसी ग्रुप में हमको एक यूनिक टीचर को, मतलब एक ही टीचर को हमें मेंशन करने का है, बेस्ट टीचर है, तो हम द का यूज करते हैं, द बेस्ट टीचर। सेम उसी प्रकार से देखो यहाँ पर दिस इज द पेन, द पेन मतलब वो एक यूनिक पेन, किसी ने दिया होगा, किसी ने वो पेन दिया है तो स्पेसिफिक पेन होगा, हमारे पास बहुत सारे पेन है और उसी के साथ साथ किसी ने तो एक पेन दिया होगा, हमारे नजदीक का कोई तो होगा और उसने हमें गिफ्ट दिया होगा पेन, तो एक यूनिक पेन हो गया होगा, तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर द पेन, दिस इज द पेन, मतलब यूनिक पेन अगर हमको मेंशन करने का है तो हम द का यूज कर सकते हैं। और हमें अगर कोई ऐसा यूनिक नहीं है, अनयूनिक है, बहुत सारे पेन है, ये भी एक सिंपल सा पेन है, तो हम यहाँ पर ए और एन का भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? तो यहाँ पर यूज नंबर टू भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से समथिंग, अगर चीज़ें कोई चीज़ें स्पेसिफिक हो तो हम द का यूज करते हैं और नॉन स्पेसिफिक हो तो हम ए और एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर द यूज करने का और ए और एन कब यूज करने का, ये आपको क्लियरली आइडिया आ गई होगी। समझ में आ गया? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो लेक्चर रिवाइज करके भी आप देख सकते हो, अगर समझ में आया तो कमेंट करके बता देने का। तो चलो देखते हैं बाद में हम नो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कब यूज नहीं करना चाहिए वह हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो नो आर्टिकल्स, तो चलो शुरू करते हैं। नेम ऑफ टाउन,
टाउन का नेम होगा, तो उससे पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते यहाँ पर। ये जो भी मैं आप रीड आउट करूँगा, तो इससे पहले हम यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ द टाउन, सिटी, गेम, सीजन, कंट्री, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, कलर हो चाहे वो, नेम हो स्कूल, नेम मतलब अपना नेम कोई भी, फॉर एग्जाम्पल रुचि, ऐसे कई सारे नेम रहते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। स्कूल, स्कूल के नेम के पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च हो, टेम्पल हो, कोर्ट हो, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, मार्केट, नेशनैलिटीज हो या फिर स्ट्रीट्स, स्टेट्स हो, सिंगल लेक्स हो या फिर सिंगल माउंटेन्स हो, तो हम उससे पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। इफ दिस वर्ड्स आर यूज फॉर देयर रियल पर्पज, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स। मतलब अगर ये जो भी मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, अगर उसका रियल पर्पज के लिए यूज किया गया है, मतलब स्कूल का स्कूल के लिए यूज किया गया है, कॉलेज का कॉलेज के लिए यूज किया गया है, तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाते फॉर द रियल पर्पज। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। सिंपल, देखो यहाँ पर, आई गो टू स्कूल रेगुलरली। आई गो टू स्कूल रेगुलरली, हम स्कूल में काहे के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए रेगुलरली जाते हैं, तो यहाँ पर रियल पर्पज उसका इंडिकेट हो रहा है। या फिर आई गो टू स्कूल रेगुलरली फॉर टीचिंग भी आप बात लगा सकते हो, या फिर पढ़ाई करने के लिए जाते हो, तो ये रेगुलर पर्पज, रियल पर्पज हो गया उसका। और उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हो, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। मतलब आई एम गोइंग टू द स्कूल, मतलब मैं स्कूल में गया, पर किस लिए गया, प्रिंसिपल को मिलने के लिए गया। यहाँ पर अदर पर्पज इंडिकेट हो रहा है, तो अदर पर्पज के लिए भी हम यहाँ पर द का यूज करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज किया गया है। समझ में आ रहा है आपको? आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, हम पढ़ाई करने के लिए नहीं गए, मैं खाली गया काय के लिए गया, तो खाली प्रिंसिपल को मिलने के लिए या फिर टीचर को मिलने के लिए मैं गया। तो यहाँ पर अदर पर्पज अगर हमने यूज किया, अदर पर्पज मतलब उसका रियल पर्पज छोड़ के हम अदर पर्पज अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके पहले हमें नाउन्स के पहले हमें आर्टिकल्स लगाना चाहिए। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ पर नहीं यूज करने का, और रियल पर्पज में होगा तो यूज नहीं करने का आर्टिकल्स, अगर अदर पर्पज होगा तो हम आर्टिकल्स को यूज करना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट था, वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो तो एग्जाम्पल, एग्जाम में भी इसी प्रकार से एग्जाम्पल आता है, विजय इज डैश डैश अमेजिंग सिंगर। तो इसी प्रकार से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आता है, और ये आपको ऑप्शंस दे रहे थे ए बी सी डी, तो उसमें से ही आपको ऑप्शंस खाली आपको क्लिक करने का रहता है या फिर चूज करने का रहता है। तो देखो, विजय इज डैश डैश अमेजिंग सिंगर, तो देखो सिंगर है, और यहाँ पर मैंने पोजिशंस बताया था, नाउन्स यहाँ पर सिंगर है। देखो यहाँ पर और क्या आया है, एडजेक्टिव आया है, अमेजिंग अमेजिंग एडजेक्टिव आया है, तो इसका साउंड से अमेजिंग साउंड क्या निकल रहा है, ओवेल साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पर एन एन आ जाएगा, विजय इज एन अमेजिंग सिंगर। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर, ये थोड़ा इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा, देखो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर, डॉग इज अ मैंस बेस्ट फ्रेंड, तो डॉग यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ डॉग। यहाँ पर साउंड कैसा निकल रहा है, यहाँ पर कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, तो और सिंगुलर है, जो भी नाउन है हमारा वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर अ डॉग इज अ मैंस बेस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखो, माई डैड इज यहाँ पर अ डॉक्टर, क्योंकि डैड एक ही है और यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए ए यहाँ पर ए आ जाएगा, ए अ डॉक्टर। तो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर टू आर्टिकल्स दिए गए हैं, डैश डैश डिजर्ट वॉज डैश डैश अमेजिंग एस्टरडे, मतलब डिजर्ट वॉज अमेजिंग एस्टरडे, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल्स आएगा? तो यहाँ पर डिजर्ट मतलब एक स्पेसिफिक है, और उसको मेंशन किया है, अमेजिंग था वो, अमेजिंग था, तो यहाँ पर द डिजर्ट वॉज अमेजिंग एस्टरडे, तो यहाँ पर द और यहाँ पर नो कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर द डिजर्ट वॉज अमेजिंग एस्टरडे, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फाइव देखते हैं, डैश डैश करी वॉज स्पाइसी, मतलब देखो
करी वॉज स्पाइसी एंड करी तो नहीं हो सकता, करी मतलब एक स्पेसिफिक चीज है, करी उसको स्पेसिफाई किया है, यहाँ पर वॉज स्पाइसी थी मतलब एक यूनिक चीज यहाँ पर मेंशन की है, तो यहाँ पर द करी वॉज स्पाइसी, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर भी इसका ए ही है, द करी वॉज स्पाइसी। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं और आपको खाली सिंपल सी टेक्निक होती है आपको यूज करने का आर्टिकल्स ए एंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है, तो ये इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उसका आंसर भी दिया है, तो आप देख लेना इसको सॉल्व करने का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके आप इसका पढ़ाई भी कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, तो ये डाउनलोड करो। अगर उसी के साथ साथ ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, और उसी के साथ साथ ज्वाइन भी जरूर कर लेने का। तो यहाँ पर आर्टिकल्स ए एंड यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने पोजिशंस ऑफ आर्टिकल्स देखे, उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखे, उसमें द कब यूज़ करने का, ए और एन कब यूज़ करने का, ए भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने नो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कहाँ पर यूज़ नहीं करने का, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो भी हमने देख लिया है, रियल पर्पज़ और अदर पर्पज़ के लिए। उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व किया और आपको प्रैक्टिस सेट के लिए एक आपको पीडीएफ भी दे दिया है। तो बहुत कुछ किया है आपके लिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का और लाइक भी जरूर कर देने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट।